Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. OCD, that is abbreviated as Obsessive Compulsive Disorder. Basically, it is composed of two parts, obsessions and compulsions. Obsessions are recurring, uncontrolled and unwanted thoughts that are related to fears and are extremely distressing. And compulsions are the behaviors that child feels have to be done repeatedly to get relief from his anxiety. Child uses those compulsive rituals to get over his fears. So basically, OCD is a cycle from obsessions to anxiety, anxiety to compulsions, and compulsions to temporary relief. मैं कर रही हूँ, यहाँ चलाओ, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वैसे पेशेंट कौन है? जी, ये मेरा छोटा भाई है सैम। जी, क्या मसला है? ये मैं 2 वीक्स से चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि ये अपने हाथों को धोता है और कभी कभी तो कुछ देर के लिए, लेकिन 2-2 घंटे तक ही, कभी कभी घंटे तक, आधे आधे घंटे तक ये हाथ धोता रहता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने इस चीज़ को 2 वीक्स हो गए हैं कि नोट कर रहे हैं। तो क्या मतलब कोई इसके एक्सप्रेशन कोई शो कर रहा है जिससे आपको? ये बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है और हम मतलब कि घर वालों के दरमियान भी नहीं बैठ रहा, अकेला रहना पसंद करता है और घर में किसी कोने में बैठ के कभी कभार रोता रहता है और बड़ा परेशान सा रहता है। तो आप इसके भाई हैं? जी। तो मतलब आपके साथ इसका क्या रवैया, बहन भाइयों के साथ, के दोस्तों के साथ भी ऐसा ही है? ये मेरे साथ इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, हम भाई भी थे और एक दोस्त की तरह भी रहते थे, लेकिन ये कुछ दिनों से इसका रवैया मेरे साथ भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो मतलब डाइट वगैरह, खाना पीना सब कुछ ठीक है, नॉर्मल ही है? नॉर्मल ही है। ठीक है, तो मतलब ये 2 वीक्स से हो रहा है, इससे पहले आपको नहीं इतना? नहीं, इससे पहले कभी नहीं इस तरह की चीज़ें भी तोड़ता है? हाँ, कभी कभार एंगर शो करता है और
मुझे ना ये ओसीडी के सिम्टम्स लग रहे हैं, मतलब जो आप बता रहे हैं कि 2 वीक से सब कुछ हो रहा है, तो मुझे ये ओसीडी का ही लग रहा है। बाकी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट साइंस कंडीशन, मैं इंशाल्लाह कुछ थेरेपीज और सेशंस लूँगी जिसकी वजह से ना ये इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा। तो आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा क्योंकि ये एक बहुत पेनफुल होती है सिचुएशन। बच्चा बता, वो तो है भी बच्चा और बच्चा बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आपने भी थोड़ा सा साथ हेल्प करना है और हम इंशाल्लाह ये इसका ना हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ मे आई हेल्प यू? मैम मैं अपने छोटे भाई की यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है। आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम सैम है। मैं उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान। अच्छा, मुझे भी उसके बारे में थोड़ी सी वरीज हैं क्योंकि वो क्लास में थोड़ा एबनॉर्मल एटीट्यूड जो है वो शो कर रहा है। तो घर में भी क्या वो इस तरह कर रहे हैं, आपको कुछ फील हुआ है? जी वो घर पे क्या स्कूल में भी इसी तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं? लाइक वो स्कूल में थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है कि हम लोग के पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को चीज़ें शेयर करवानी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं करता, उसको शेयरिंग का बिल्कुल भी नहीं आइडिया। और उसके बाद ये है कि वो बार बार हाथ को सैनिटाइज करता रहता है, ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब करती है। उसके बाद जब वो वॉशरूम वगैरह में जाता है तो टाइम उधर बहुत लगाता है, तो ये चीज़ तो उसकी स्टडी को भी इफेक्ट कर रही है। जी मैं आपकी बात को समझता हूँ, हम काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हैं, तो हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसकी पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। आई होप, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, सो आई थिंक ही विल बी फाइन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइम के घर से आप? जी मैं मैंने साइम का साइम के केस को स्टडी किए, जसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उसको ओसीडी है, जिसको हम कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसे हम साफ़ सफाई की ओसीडी कहते हैं, तो उसमें अक्सर बच्चे का बिहेवियर ऐसा होता है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके घर में पहले भी ऐसा किसी को कोई ऐसा इशू था? नहीं, इसके पहले हमारे घर में किसी को ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, तो उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको फ़ील हो रहा हो कि तब से उसका बिहेवियर चेंज हो, उसने कुछ आपसे शेयर किया हो? जी उसने कुछ ही देर पहले की बात है कि वो गली में क्रिकेट खेल रहा था तो 2 लड़के उसके पास आए, तो उन्होंने उसको कहा कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चॉकलेट लेके देंगे। तो वो बच्चा था, ना समझ था, वो उनके साथ चला गया, लेकिन वो अपने कुछ ना पाक इरादों के साथ आए थे, तो वो उन 2 लड़कों ने उसके साथ नाजेबा हरकतें की जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने। तो मतलब बच्चे के बाद उसका होता है कि उसकी फैमिली थेरेपी भी की जाए, जिसकी वजह से आज मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो आपको ये करना है, आपको हमारे साथ भी कोऑपरेट करना है और बच्चे के साथ भी कोऑपरेट करना है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए, क्योंकि फैमिली का जो बिहेवियर होता है वो बच्चे को साथ, फैमिली का बिहेवियर ही ओसीडी को इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है। तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा। जी ठीक। Thank you very much for joining Yoga with THB. For more informative and interesting videos, subscribe the channel, like and share with others. And thank you so very much once again. Have a very good and nice day. Thank you.